दोस्तों आज हम बात करेंगे पांडा पैनल 38.5 जो नॉर्मली जो चाइनीज सेट आप देखते हो उसके अंदर ज्यादातर ये पांडा 38.5 इंच का पैनल यूज किया है HD रेडी। इसमें जो कॉमन आने वाली कंप्लेंट है आपने देखा होगा कि VGH है जो वो मिस कर जाता है गेट के ऊपर। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जंप कर देते हैं VGH है जो, बट हम वो देखते हैं कि वो कंप्लेंट रिपीट हो जाती है। आपने देखा होगा कई हमारे टेक्नीशियन भाइयों ने, आपको अगर बाईपास करनी है तो आपने करना ये है, ये जो ट्रैक मैंने कट किया है ये ट्रैक कट करना है और जंप यहाँ पे करना है, आपको ये ट्रैक कट करना बहुत जरूरी है। आप देखना तो वो रिपीटेशन की जो आपकी कंप्लेंट है वो बहुत कम हो जाएगी, और आप मतलब ये करके देखना। और इसके अंदर ज्यादातर कॉमन प्रॉब्लम ये आती है, ये सोर्स कॉफ है जो जहां से गेट की लाइन जाती है यहाँ स्पार्क हो जाता है, आपने देखा होगा। अब बॉन्डिंग मशीन अगर आपके पास नहीं है तो मैं एक टेक्निक शेयर करूंगा, बट वो बहुत डेलिकेट है, वो मैं जिसका हाथ साफ नहीं है मैं उनको बिल्कुल भी करने नहीं बोलूंगा, आप बॉन्डिंग वाले के पास लेके जाइए। हाँ अगर बॉन्डिंग वाला बहुत दूर है, आपकी मजबूरी है, आपने ट्राई करना है, तो मैं ये इस तरीके से ट्राई करने बोलूंगा, आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है VGL और VGH के बीच में, इसको मीटर को हाईएस्ट मेगा ओम्स के रेंज में रख के ये आपको दोनों देखेंगे। इसकी रेजिस्टेंस है जो आप देखेंगे कि वो लो दिखा रही है 100 ओम्स, 200 ओम्स, 70 ओम्स या मान लो 500 ओम्स, तो वो इस वजह से कि ये यहाँ स्पार्क हो जाता है, स्पार्क होने से वो क्योंकि रेजिस्टेंस उसके बीच में बन जाती है। आपने करना ये है इस, अगर आपने बॉन्डिंग नहीं करनी आपकी मजबूरी है, बट ये काम बहुत डेलिकेट है, जो जिनका हाथ साफ है वो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि करिए, नहीं तो वो डैमेज करेंगे ये चीज को। आपको करना है यही जो VGH है ये कट मारना है, VGL भी आपको कट करना है, ये यहाँ पे ये डॉट से VGL और ये डॉट से VGH। आपको गेट कॉफ है, पैनल आपको उल्टा रखना है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि इसको आप बेंड मत करिए, बेंड करने से इसके चांसेस होते हैं परमानेंट लाइन आने के, फिर वो बॉन्डिंग से पॉसिबल है, कई बार वो कार्बन ट्रैक भी खराब कर देता है। आपको डिस्प्ले पैनल है जो, आप कांच के टेबल पे इसको उलट लीजिए, मेरे मैंने वीडियो भी इसके लिए स्पेशल बनाया था। आपको बहुत डेलिकेटली जो इसके VGH और VGL के डॉट है जो प्रिंट यहाँ से जाता है वो आपको कट करने हैं। ये बोलने में बहुत आसान लगता है बट ये बहुत डेलिकेट चीज है, कट करके फिर आपको जम करना है। तो वो भी पैनल हमने बहुत रिपेयर किए हैं और उसका रिपीटेशन बहुत कम है कि रिपीट नहीं होता ये वाला, ठीक है। सबसे मेजर प्रॉब्लम यही आती है इसके अंदर। तीसरी चीज मैं शेयर करूंगा, आपने देखा होगा आपकी बूस्ट वगैरह ओके है बिल्कुल, और कई बार पैनल चल पड़ता है, कई बार पैनल है जो बिल्कुल क्लाउडी पिक्चर देगा या अलग अलग टाइप के सिम्टम देगा, पट्टे लाइन्स आ रहे हैं, उसके लिए आपको मैं फोटो भी शेयर करूंगा। R403 ये सिग्नल पे लगा हुआ है जहां की रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है, लगी नहीं है, खुली छुड़ी हुई है, इसको आपको शॉर्ट करना है। ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है ये पांडा पैनल की 38.5 इंच की, इससे भी आपके बहुत सारे मसले हैं जो हल हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसके अंदर तकलीफ आती है। बाकी ये पांडा का पैनल मैंने देखा है, बाकी पैनल मैंने 32 इंच वगैरह या और बड़े पैनल बहुत रेयर देखा है कि सिग्नल वाले पॉइंट है जो, जैसा कि STV, CKV, OE ये आपस के अंदर इनके अंदर लीकेज आ जाती है, ये भी इसके अंदर पांडा पैनल के अंदर देखने, तो वो बॉन्डिंग से भी पॉसिबल नहीं है, आपको पता है ये चीज का। वो उस चीज के लिए भी आपको जो सिग्नल जो आपको शॉर्ट मिलते हैं, शॉर्ट मतलब वो डेड शॉर्ट नहीं मिलेंगे आपको, मुझे मिले हैं 700 ओम्स 1K इस तरह के लीकेज आ जाती है, उसके लिए भी यही टेक्निक है कि आपको वो दो प्रिंट यहां से कट करने हैं और गेट कॉफ के ऊपर वही जो आपके डॉट होंगे सर्विस डॉट उसको कट करके आपको जम्पर लगाना है, फिर ये बहुत डेलिकेट काम है। तो ये मतलब एक बहुत सारे कॉमन जो कंप्लेंट है पांडा में मैंने आपसे शेयर किया, इसके अंदर ये चिप उड़ जाना मैंने नहीं देखा ये पांडा पैनल के अंदर, क्योंकि हम लोग डेली लगभग 2 से 4 पैनल हमारा रिपेयरिंग के लिए आता है, मेजर कंप्लेंट जो मैंने आपसे शेयर किया यही आता है। हाँ आपने ये भी देखा होगा पांडा के अंदर कि नीचे से पोलराइजर हीट होके जल जाती है, वो भी ये प्रॉब्लम आती है कि VGL है जो VGH या VCOM उससे शॉर्ट हो जाए तब भी ये कंप्लेंट आती है कि ये जल जाए, वो फिर डेलिकेट चीज है कि आपको दोनों साइड से कट करना है, आपको गेट के ऊपर भी और आपको यहाँ भी, आपको सारा टेस्ट पॉइंट चेक करके कि किस में शॉर्टिंग या लीकेज है, तो वो भी कंप्लेंट ओके की जा सकती है। कुछ ये पैनल है जो जल जाते हैं, कुछ पैनल केसेस ये नॉट रिपेयरेबल है,
तो ये मैंने मेजर जो कंप्लेंट थी मैंने शेयर किया है। अगर किसी दोस्त का कोई कमेंट हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कुछ पूछ सकता है। देखो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जितना मुझे पता है, जितना मैंने सीखा है, मैं जरूर आपको सिखाने की या बताने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है कि मैं आप लोग से भी कुछ सीख सकूं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको अपडेशन मिलती रहे, और ये मेरी गारंटी है कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।